नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि और रविवार का दिन है। नौमी तिथि आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:30 तक रहेगी। आज रात 10:06 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आप जानते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना हो एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 10:06 से कल सुबह 5:31 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। आज ये योग 5 दिसंबर की सुबह 6:02 से अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 29 नवंबर की सुबह 6:55 से दोपहर 12:04 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 1:31 से शाम 4:58 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 दिसंबर की सुबह 7:01 से 9:54 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 दिसंबर की सुबह 7 बजे से सुबह 7:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 29 नवंबर की सुबह 6:55 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 29 नवंबर की सुबह 6:55 से दोपहर 12:04 तक रहेगा, और फिर दोपहर 1:31 से शाम 4:58 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 दिसंबर की सुबह 10:07 से दोपहर 12:12 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:37 से शाम 4:52 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं, आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 नवंबर की सुबह 5:55 से सुबह 6:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय 2 दिसंबर की सुबह 8:13 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा शाम 4:05 से शाम 5:24 तक। मुंबई शाम 4:36 से 6 बजे तक। चंडीगढ़ शाम 4:03 से 5:21 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:53 से शाम 5:13 तक। भोपाल शाम 4:12 से शाम 5:33 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:30 से शाम 4:51 तक। अहमदाबाद शाम 4:32 से 5:53 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:14 से 5:40 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।